दिवसीय दौर पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आई पीड़ित महिला के साथ की आर्द्रता और धक्का मुक्की हुई। महिला जनपद के सिविल लाइन इलाके में रहती है। महिला के पति की 1992 में हत्या कर दी गई थी, जिससे उसका घर का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा है। महिला ने कई बार नेताओं और अधिकारियों से मदद की गुहार लगा चुकी थी, लेकिन किसी ने महिला की मदद नहीं की, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सिंचाई विभाग के बंगले पर पहुंच गई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी पीड़ित महिला योगी से मिलने के लिए बाहर खड़ी हो गई। महिला मुख्यमंत्री से अधिकारियों और नेताओं की शिकायत करना चाहती थी, जिसको देखते हुए पुलिस के अधिकारियों ने महिला को वहां से भगाना चाहा, लेकिन महिला नहीं गई। पुलिस और अधिकारियों को डर था कि ये महिला कहीं मुख्यमंत्री से शिकायत नहीं कर दे, जिससे हम पर कार्रवाई हो जाए। पुलिस ने उस महिला के साथ पहले अभद्रता की और फिर उसके साथ धक्का मुक्की करने लगी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गाड़ी में बैठाकर थाने भेज दिया। इसी तरह अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए गरीबों पर हो रहे जुर्म को दबा देते हैं और इनके हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि ये कब तक गरीब फरियादों को परेशान करते रहेंगे। इटावा से संदीप कुमार की रिपोर्ट एस के एच न्यूज। कहाँ गिराने वाले? मैं इटावा से रह रही किराए पे। किस बात को आपको आक्रोश है? आक्रोश ये है कि सन बानवे से ये बीजेपी ने आश्वासन दिया था, भाई अर्चना पांडे से मिलने जा रहे थे, वहाँ ये गेट पे खड़े तिवारी जी देवेंद्र सिंह तिवारी वो और धमकी दे रहे हैं कि महिला कांस्टेबल बुलाए ने और आए कि उन्होंने अरे हम अपनी फरियाद लेके आ रहे, हम क्या साल से भटक रहे हैं। इसी चीज की मेरे एक बच्चा न मेरे घर न द्वार। 1992 में मेरे पति का मर्डर हुआ था, आज तक किसी ने सुनी? आप तक मुकदमा पर पैनल में डाले हुए है? क्या खाए हम? जब सरकार आती तो आदमी कहते कि 19 आप बीजेपी से नहीं, आप बीजेपी को वोट देती हो। कितना दर्द है आपसे? कितना दर्द है? अगर नहीं सुनेंगे तो या तो आवाज भारतीय हम कर लिए या एक आध अधिकारी को ठोक डाली हम। अगर हमें रोकने की कोशिश करी तो एक आध अधिकारी हम खुद मार दिए या एक आध अधिकारी को मार दिए। क्या फरियाद लेके आई जो मिलने नहीं देते ये लोग? आपको जाना पुलिस प्रशासन भी आपको इस तरीके से बताओ कर रहा है? नहीं, पुलिस प्रशासन आगे में खड़ा हुआ कहता है कुछ तो सही है, कुछ तो बात धमकी दे रहे हैं वो। बुला महिला कष्ट बोला, भैया को तरीका है कि महिला कष्ट बोला? कौन सा पैकेज जानने आए यहाँ?